Hello and welcome. Assalamu alaikum, namaste and welcome to Chimpanzees and Family Vlog. ये देखें शुरुआत कहाँ से हुई है. शुरुआत हुई है यहाँ से और मॉर्निंग का आगाज नहीं है ये. ये दिन हो गया है. मैं अभी कल वाले कपड़ों में हूँ क्योंकि नहा धो के आई थी. आके घर पे चिल करा, खूब गप्पे मारी, खाया पिया, सोए. अब जा रही हूँ मैं शहर लेने. ग्रीनरी देखिए, मुझे लगता है शायद मिर्ची के पौधे किस चीज़ का, आई डोंट नो. ये देखिए, ये मेरा घर. मम्मी पापा अंदर. मजा आ रहा है बहुत. ये मेरे घर का पेड़. ऊपर से भी अभी आपको दिखाऊंगी. ये देखिए फिश फार्म, ये खूब बड़ा पोर्च. ये देखें, ये रहा. एक दो तीन दरवाजे इधर, एक दरवाजा ये रहा एंट्रेंस का. अमरूद का पेड़ भी है गमलों में. ये देखिए, हाय. बहुत लू चलती है लखनऊ में, वो देखें. ये मम्मी सो रही हैं, पापा अपना कुछ कर रहे हैं, बच्चे वहाँ टीवी देख रहे हैं. हमने आके पूरा मेस कर दिया इधर उधर. घर सूट के सभी रखा नहीं है. ये रहा सेकेंड. ये जस्ट ऐसी ही है किचन. तो क्या है, ये बस ऐसी कि चाय वाय कभी ज़रूरत हो तो आप बना लें, अदरवाइज सारा इंतज़ाम ऊपर है. छुटपुट से बर्तन रखे हैं चाय वाय के, वरना यहाँ कुछ कुक नहीं होता. ये है स्टेयर्स, चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या काम किया जाएगा. अल्लाह, सीढ़ियों की आदत बिल्कुल छूट चुकी है. ये एक वॉशरूम है. ये रूम्स हैं, ऊपर अभी कोई काम नहीं है तो बंद कर रखा है. ये देखें, चलें. ये रहा किचन, काम करके गई हैं. अभी हमने कुछ बर्तन वर्तन नहीं समेटे. ये है ऊपर भाभी का किचन. ये देखें, ये रहा दही बड़े, भीग रहे हैं, इसे खाएंगे. ये मैंने नहा के अभी टाल यहीं रख दी, गप्पों में बहुत वो है. ये रहा डाइनिंग, साथ में ही छोटी सी सिटिंग बनाई हुई है कि जब यहाँ खाएं तो यहाँ गप्पे चलें. गप्पों में हम लोग बहुत आगे हैं. ये देखें, मैं आपको कह रही थी ना फिश फार्म. ये देखिए उसके फिश फार्म का ये फ्रूट होता है. छत पे से दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको. लखनऊ गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है. ये देखें, भाभी ने डेकोरेट कर रखा है सब. चले अब कुकिंग करते हैं, सामान ढूंढते हैं. चले, यहाँ बना दिया है मैंने वेज बिरयानी, वेज न्यूट्री पुलाव, तहरी, जो भी आप कहना चाहें. पहले मैं ज़रा चिमनी बंद करूँ. तो यहाँ रेडी हो गया है ईद वाइब्स. ये देखिए, यहाँ मैंने सबके लिए दही बड़ों की प्लेट लगा दी है, जो अब फ्रिज में जाएगी, ठंडी होगी. जब तक ये रेडी होगा मैं नमाज पढ़ लूँ, और नमाज जोहर नमाज से मैं फारिग होके उसके बाद फिर हम लोग लंच करेंगे. बाजी और सब लोग आ रखे हैं, सिटी आने वाली है. और ये भी मैं अभी सब क्लीन कर दूंगी. तो चले इसको लगाते हैं फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो, ये गर्म हो, सैलेड हो, फैमिली हो और हम इंजॉय करें. मम्मी है. एक सेकंड टाइम नहीं है मेरे पास. बाय. कैसा लगा? करना पड़ेगा शायद वीडियो बनाएगा. यही रखो उधर, ये बाइक. ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है. तो आप आपकी ये क्या बोलते थे, ये इसका नाम क्या था जो लगा था? चोट. चोट नहीं, वो जो स्टिचेस, वो हट गया. कैसा लग रहा है? तो फिर ये पानी से भर दिया है.
पूरी नानी आशु इधर फोकस करता है ना नेको भी निकाल दी अभी खुला हुआ है तुम्हारा ये भर रहा है थोड़ा जल्दी टांके मुझे काटने पड़ गए इस वजह से बस गाइस एक ही दिक्कत हुई जब इसको हटाया था तब थोड़ा दर्द से होता तो बहुत चिपक गई है ना हेलो फ्रेंड्स तो मैं नहा धोली हूँ देखिए फ्रेश हो गई हूँ और फुल एंजॉय चल रहा है यहाँ कुछ करने को नहीं है काम तो गप्पे और रिलैक्स एंड रिलैक्स देखिए बच्चों की अप्पी आ गई है यार कुछ तो मेरे इस फोन में ये रहे दही बड़े ये लग गया है लंच ये देखिए सब लंच कर रहे हैं फोन मिलेगा नहीं चलें वहाँ पे पापा खा रहे हैं यहाँ कुछ सरप्राइज है और ये आ गई है अप्पी कौन सी अप्पी है आशु को आयानु को कैसी लगती है तानु अप्पी आई आशु कौन आ गया है आले और तानु अप्पी आयान असद के लिए देखिए क्या लेकर आई है चलो भाई फेस रिवील करो और भाई साहब अरे अरे रुको आराम से जी थोड़े उड़ा दिए गए ये है दो केक एक है चॉकलेट एक है वनीला गुड़िया बाजी हमारी केक बहुत अच्छा बनाती है बट ये बनाया है तानु ने चॉकलेट वाला तानु तेरा हेयर स्टाइल है मुझे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है आज इस पैक्स को लगा रखे हटाना जरा देखो अब अच्छी लग रही है देख ऐसे लगा बच्चों का बहुत शौक है आज के लिए लगाने का ओ माय गॉड चलो ओके अरे ऐसे नहीं कट करते अलग अलग पहले चॉकलेट वाला करवा दो भाई इसका एक चॉकलेट असद कर देगा एक आयान कर लेगा ये आयानू ये है तो आइए कौन सी प्लेट ले आए हैं ये आयान ले आया है तानू करवा बेटे हैप्पी लखनऊ आने का केक हैप्पी लखनऊ आने का केक ये खामाई कटवा रही हैं इसके चीथड़े उड़ जाएंगे अब ये अरे अरे अल्लाह अरे मेरे अल्लाह राइट हैंड यूज योर राइट हैंड ऑलवेज ये क्या हो रहा है ठीक से काटा ही नहीं निकलेगा कहां से अब ये प्लेट देखें कैसी आई है ये प्लेट हमारी कढ़ाई ढकने की है ओ माय गॉड आशु भैया और प्यारा सा काटेगा मेरे बेटे का मोटू लाला पिलपिले हाय मेरा बच्चा माँ सदके आप खाओ माँ सदके नानू खाइए पापा खाइए 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 खा लिए आप भी खाइए चलो आशु खाओ अभी उसकी बारी है अब बताओ कैसा बना है हाउ इज द टेस्ट बेबी आप तो बताओ तानू अप्पी केक बनाएंगी तानू अप्पी केक बनाएंगी सी माय मोटू लाला वो है अम्मी और वन एंड ओनली ये मिस्टर कौन है ये खालू पापा नहीं खालू पापा व्हाट्स योर रिएक्शन अस्सलाम वालेकुम करिए ये देखो ये क्या हो गया अरे भैया मुझे एक पीस दो जरा ये देखिए स्पॉन्जी देखिए ये देखिए सॉफ्टनेस ये देखिए टेस्ट वाइज वेरी नाइस और स्वीटनेस बहुत अच्छी है और कुछ ब्लॉग मैं यहाँ लखनऊ से बनाऊंगी और कुछ ब्लॉग डॉग साहब बनाएंगे तो बने रहिए अभी मैं केक खा के बताती हूँ जबरदस्त बहुत अच्छा बना है चलिए अब आप मम्मी मम्मी कैसा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फैन चल रहा होगा माजरत क्योंकि मैं माइक भी नहीं लाई हूँ अब आप देखिए डॉग साहब उधर क्या कर रहे हैं बाइक की हानि करा दी है सर्विस और अब आ रही है बाइक बाहर तो फ्रेंड्स शाम का वक्त हो गया है निकल लिए हम वर्कआउट के लिए हॉस्पिटल गए थे फिर वहाँ से ज़रा फील्ड में गए आज वर्कआउट के ड्यूटी से रिलेटेड कुछ काम थे तो वो काम निपटा के हम आए उसके बाद में आज काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था पेंडिंग एक डॉक्टर साहब की वॉच में कुछ इशू आ रहा था तो उसको वारंटी में भेजने के लिए गया था मैं एक शॉप पे उस पे से वहाँ से
उसको कराया। अभी दो एक दिन क्यों, मेरे ख्याल से 5 days बैक जो है, जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर होने वाले थे तो मैं टीवी से कनेक्ट कर रहा था लैपटॉप को, तो वो टीवी जो है उसमें कुछ इशू हो गया, उसकी वजह से उसकी जो डिस्प्ले ख़राब हो गई थी। तो फिर आज एक शॉप पे जाके उसका पता करके आया, तो वो भी जो है ठीक करानी है अभी, तो उसके बाद टाइम लग गया था। तो जस्ट अभी पहुँचे हैं, तो अब चलते हैं क्लब अपना वर्कआउट के लिए। तो हम चल दिए हैं क्लब की तरफ। ये देखिए आज थोड़ा लेट हो गया है मुझे आने में, तो चलिए वर्कआउट करते हैं, देखते हैं कुछ मौका लगा तो शूट करूंगा। वर्कआउट के बाद अब हम आ गए थोड़ी सी स्विमिंग करने के लिए, पानी बिल्कुल साफ। अभी अभी अप्रैल में स्टार्ट हुआ है पूल, तो चलो थोड़ी स्विमिंग कर लूँ, आई लव स्विमिंग। तो आज दोनों चीज़ एक साथ निपटा दी हमने, वर्कआउट भी और स्विमिंग भी। चलिए अब घर चलते हैं। साहब क्या कर रहे हैं यहाँ? छोटे साहब निकालते हैं आटा, ये लो बेटा पकड़ो, गुड बॉय। आप देखते हैं मम्मा के लिए कुछ कुछ बनाना है, धनिया चीज है, हरी मिर्च है। नहीं ये आ गए हैं किचन में, अब बनाते हैं रात का डिनर। ये मैंने आपसे कहा था सब क्लीन हो जाएगा, सब क्लीन हो गया। ये छोटी सी पूंछ पीछे पीछे मिला गुगू। और ये मम्मा का बन गया है प्याज का पराठा, वो एक ही पराठा खाएंगी। ये पापा का सादा पराठा, उनको मैं मलाई एक चम्मच मलाई के साथ दूंगी। मम्मी का ये प्याज का पराठा बन रहा है, इसी को एक मैं भर दूंगी, एक मेरे लिए हो जाएगा। अब गुगू के लिए बनेगा एक पराठा जो ये एग के साथ खाएंगे। डिनर कराते हैं फिर आपसे मिलते हैं।